हेलो स्टूडेंट, निर्भय 1-1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो फाइनल एडमिशन है वो कब तक होगा और कब से स्टार्ट हो जाएगा फाइनल एडमिशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रोविजनल एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, आप लोग प्रोविजनल एडमिशन ले लिए होंगे और तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट कर रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि एडमिशन फाइनल एडमिशन कब से होगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो काउंसलिंग शेड्यूल था जो कि निम्मी के ऑफिशियल साइट पे आया हुआ था, तो आप लोग के पास भी ये होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो डाउनलोड करके रखिए। और यहाँ पे जैसे कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट फेज का जो काउंसलिंग है यहाँ पे 15 नवंबर से, तो ये था सिलेक्शन करने का 15 और 16 और 17, 18, 19 तीन दिन यहाँ पर था प्रोविजनल एडमिशन के लिए। ठीक है, और 20 नवंबर को आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस है और 21 नंबर का ट्रांसफ़र प्रोसेस लिस्ट जो है कंफर्मेशन वो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड फेज का काउंसलिंग चलने वाला है 22 से लेकर 28 तक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ बात करेंगे थर्ड फेज का जो काउंसलिंग है 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाला है, और उसके बाद स्पॉट एडमिशन जो होगा, ठीक है, स्पॉट एडमिशन 6 से 8 तक चलने वाला है। ठीक है, तो बात करेंगे कि यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपका फाइनल एडमिशन कब से होगा, इस प्रोस्पेक्टर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि कब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि हम एक स्टूडेंट से भी बात किए जो NSTI हावड़ा से कर रहा है, ये 20-21 सेशन का वो कर रहा है, तो उन्होंने भी बताया कि 15 दिसंबर का जो आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 15 दिसंबर वेडनेसडे कमेंसमेंट ऑफ जो है सेशन 2021-22। ठीक है, यानी आपका सेशन 2021-22 का सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा 15 दिसंबर से। ठीक है, तो उन्होंने उससे भी मैंने पता किया और मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो 15 दिसंबर के एक हफ्ता तक के बाद, ठीक है, यानी 15 दिसंबर के बाद से जो है आपका फाइनल एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है 90% चांस है कि आपका, कुछ कॉलेज क्या होते हैं कि 15 दिसंबर से नहीं करके 17, 18, 19 या 20 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आता है। यहाँ पे जब फाइनल एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो निम्मी के ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कब से ले रहा है एडमिशन, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, तो आपका मान के चलिए कि 90% चांसेस है कि आपका 15 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 तारीख से एडमिशन 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और एक हफ्ता तक एडमिशन चलता है। ठीक है, तो 15 से लगभग 22-23 तक जो है एडमिशन यहाँ पे चलेगा फाइनल एडमिशन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी आप प्रोविजनल एडमिशन लिए हैं उसका जो रिसीविंग मिला है और सारे डॉक्यूमेंट जो कि हम पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के भी जाके देख लीजिए। ऐसे ही इस वीडियो में लास्ट में हम थोड़ा सा बताने वाले हैं कि फाइनल एडमिशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर आ रहा होगा, इसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा किए हैं फाइनल एडमिशन और प्रोविजनल एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि फाइनल एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि फाइनल एडमिशन कब से होगा, तो 15 दिसंबर 2021 से होगा, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये नोटिस है, ये नोटिस जो है 21-22 सेशन के ही है। ठीक है, और ये NSTI ओमेन नोएडा की तरफ से नोटिस है, तो यहाँ पे जो भी मांगा गया है डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट आपके सारे लगभग NSTI कॉलेज में आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में मैंने इस पे ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो अगर देखे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इससे बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो SC ST PH या एक सर्विसमैन या EWS OBC ETC सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट गिवेन ऑन निम्मी पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे SC ST या जो भी OBC EWS कैंडिडेट हैं तो अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, वायलेड फॉर 21-22 यानी आपका नया करंट होना चाहिए। उसके बाद 10th और 12th या ग्रेजुएशन PG ETC पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी आप जो भी 10th या 12th किए हैं तो उसका मार्कशीट ले लेंगे और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में है ITI या CETS या अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट
पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो उसका भी पास मार्कशीट ले लेंगे और एक फाइनल जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी आप साथ में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस जो है प्राइवेट से बनाना है कि सरकारी से बनाना है, तो आप जो है ज़्यादा करके प्रयास कीजिएगा अति गवर्नमेंट से ही बने, कोई गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर होगा तो उसे ही बनाइएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है गवर्नमेंट तो आप क्या कीजिएगा प्राइवेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं प्रोविजनल एडमिशन के लिए गया था तो वहाँ भी वो जो ऑफिसर लोग थे उससे बात किए तो वो भी बोला कि अगर गवर्नमेंट से बनता है तो गवर्नमेंट से ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर प्राइवेट वाला भी ऐसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे सीट अलॉटमेंट और फी सबमिशन लेटर इशूड बाय निमी, ठीक है। तो जो भी सीट अलॉट किया गया है और फी सबमिशन लेटर है वो आप जो भी फी सबमिशन यानी जो आपका रिसीविंग मिला होगा उसको भी आप प्रिंट आउट करके ले लेंगे। और साथ में एक बात यहाँ पे और ले लीजिएगा, जो प्रोविजनल एडमिशन के एडमिशन लिए हैं तो उसका जो रिसीविंग मिला है उसको भी आप साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम मार्कशीट ऑब्टेंड सीट, ठीक है, इसको भी ले लेंगे। इंट्रेंस एग्जाम मार्कशीट ऑब्टेंड जो भी आपका हुआ था किसका 63, 62 इस तरह से है, कितना भी मार्क्स है तो वो भी प्रिंट आउट करा के ले जाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड ले लेंगे ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब, ठीक है। यहाँ पे जितना बता रहे हैं सबका 1 से 2 फोटोकॉपी ले लेंगे और ओरिजिनल भी लेके जाएंगे साथ में। उसके बाद 2 फोटोग्राफ SM अपलोड ऑन निमी पोर्टल, मतलब जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरने वक्त दिए थे आप फोटो वही फ़ोटो सेम 2 फोटो आप लेके जाएंगे। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फर्स्ट एंड सेकेंड डोज, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड डोज का कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र लेटर इश्यूड बाय निमी, अगर जो भी स्टूडेंट ट्रांसफ़र कराए हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे ट्रांसफ़र लेटर भी ले लेंगे, और जो लोग नहीं कराए हैं तो इसको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जगह से मैंने बात किया जो अभी कर रहे हैं CITS, उन्होंने बोला कि एडमिट कार्ड का भी ज़रूरत पड़ता है, तो CITS का जो आपका एडमिट कार्ड है उसको भी आप प्रिंट आउट करके लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे मेरे पास नहीं है, जी देखिए अगर आपके पास है तो ज़रूर ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप एडमिट कार्ड तो आप डाउनलोड होगा भी नहीं, ठीक है। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, ऐसे भी जाइएगा तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा वहाँ पर हो जाएगा आपका एडमिशन, ठीक है। अगर आपके पास है अगर एडमिट कार्ड CITS का तो आप ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में जो है परेशानी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर नहीं ले जाएंगे तो। तो ये था पूरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितना भी जानकारी, और फाइनल एडमिशन आपसे कब से होगा, आप लोग को सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। टेक केयर, बाय बाय।